गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 5 दिसंबर के करंट अफेयर में आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण है, भारत और किस देश के मध्य होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये होगा भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण युद्ध अभ्यास फ्रेंड होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आप ये बताइए कि नेपाल के अंदर होगा कहाँ। तो ये होगा रूपन देही एक जगह है, जिले का नाम है फ्रेंड वहाँ के, नेपाल के, तो वहाँ होगा ये। ओके फ्रेंड, तो कब से कब तक होगा आप ये बताएं। तो फ्रेंड ये होगा 3 से 16 दिसंबर तक फ्रेंड ये होगा। और फ्रेंड ये जो है ना, इसका बता सकते हो कौन सा संस्करण, यानी इसका कौन सा युद्ध अभ्यास है। तो फ्रेंड सोलहवां संस्करण इसको आप इसको कह सकते हो फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो बात है नेपाल की, तो जानते हैं नेपाल के बारे में। तो ये रहा फ्रेंड मैप के अंदर नेपाल। राजधानी यहाँ की काठमांडू है। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री खड़क प्रसाद ओली जी यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, जो यहाँ की मुद्रा ना फ्रेंड, वो नेपाली रुपया है। यहाँ की क्या मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है फ्रेंड। ओके चलते हैं नेक्स्ट। आयुध निर्माणी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। तो फ्रेंड हरिमोहन आयुध निर्माण बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इन्होंने क्या है कि सौरभ कुमार जी की जगह पर हरिमोहन जी आयुध निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड जो अभी ये आयुध जो हरिमोहन बने हैं ना, वो क्या है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो थी ना फ्रेंड, तो उसमें क्या है 2018 के अंदर इन्होंने क्या है आयुध रत्न क्या है, पुरस्कार भी इनको इसके रिगार्डिंग मिला था फ्रेंड। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और श्रीलंका में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 में भाग लिया है, तो बताना है ये इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था फ्रेंड। तो फ्रेंड ये इसका था 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण था जो इसमें भारत और श्रीलंका में जो युद्ध अभ्यास का नाम क्या है फ्रेंड, मित्र शक्ति। तो इसका क्या था, 7वां संस्करण था। तो फ्रेंड ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ है पुणे के ओध सैन्य स्टेशन से शुरू हुआ है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप वीडियो की प्ले स्पीड में सेटिंग में जाकर उसको दोगुना, जितना आपको अच्छा लगे 1.5, जितना अच्छा लगे आप करें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया ना, वो वीडियो को क्या लाइक और शेयर करें फ्रेंड। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्वाडालजारा मैक्सिको में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है आपको बताना है। तो फ्रेंड ये किया है संजय धोत्रे जी ने किया है मैक्सिको के अंदर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इंडिया पवेलियन का क्या है फ्रेंड, उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड ये जो संजय धोत्रे जी है ना, ये क्या है, मानव संसाधन राज्य मंत्री फ्रेंड ये हैं। राज्य मंत्री क्या है, ये हैं। तो फ्रेंड इस पुस्तक मेले में क्या है कि भारत क्या है, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फ्रेंड भारत इसके अंदर है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यह सम्मान पाने वाला भारत जो है ना, पहला एशियाई देश बनेगा भारत। ऐसा क्या है, ऐसा सम्मान पाने वाला ना, भारत फर्स्ट एशियाई देशों में फर्स्ट ऐसा देश बनेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो यहाँ पे हो रहा है ना प्रोग्राम, जो मैक्सिको में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ग्वाडालजारा के अंदर, तो फ्रेंड ये क्या है कि इसमें स्पेनिश भाषा ही दुनिया में क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला फ्रेंड ये, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है फ्रेंड ये। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितनी हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए सिफारिश की आपको बताना है। तो छः एयरपोर्ट के लिए क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी AAI ने क्या है, अड्डों के निजीकरण के लिए सिफारिश की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इसके आप बता सकते हो अध्यक्ष कौन है। हाल ही में पीछे बने थे, मैंने हमारी वीडियो में हमने पढ़ा भी था, अरविंद सिंह। कौन बने थे अध्यक्ष, अरविंद सिंह जी क्या है, AAI के अध्यक्ष हैं फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट। NSE ने सेबी के मानदंडों का पालन न करने पर किस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का
ट्रेडिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया है, आपको बताना है। तो फ्रेंड ये किया है कॉर्विस स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, तो NSE ने क्या है कॉर्विस स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, तो इसका क्या है ट्रेडिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया है। तो क्यों किया फ्रेंड, तो सेबी के जो मानदंड थे ना उनका पालन नहीं किया। फ्रेंड ये सेबी क्या है, तो ये है फ्रेंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म फ्रेंड रहती है। तो इनका मानदंडों का पालन न करने पर सभी सेगमेंट से क्या है इसको निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में किसने जालंधर में सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप जीता है, आपको बताना है। ये जीता है फ्रेंड विनेश फोगाट ने, किसने जीता है, विनेश फोगाट ने जालंधर में सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप जीत लिया फ्रेंड। तो इन्होंने क्या है इसमें स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल इनको मिला है फ्रेंड। तो फ्रेंड इन्होंने क्या है बता सकते हो, कितने भार के अंदर 55 kg वर्ग के अंदर जीता है। और फ्रेंड यहाँ ना यहीं पर इसी जो जालंधर में सीनियर रेसलिंग था उसमें क्या साक्षी मलिक जी ने भी जीता है, क्या है साक्षी मलिक जी ने भी जीता है फ्रेंड। तो बता सकते हो फ्रेंड कितने भार के अंदर, तो फ्रेंड इन्होंने जीता है 62 kg भार के अंदर, कितने भार के अंदर 62 kg भार के अंदर। तो फ्रेंड ये साक्षी मलिक जी है ना, इनको ओलंपिक में क्या है ये कांस्य पदक विजेता भी है, कांस्य पदक विजेता भी है फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 किसके द्वारा बनाई गई है आपको बताना है। तो फ्रेंड ये बनाई गई है राष्ट्रीय रक्षा परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय रक्षा परिषद सचिवालय द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2020 बनाई गई है। तो फ्रेंड इससे होगा क्या, जो विश्वसनीय है इसके अंदर लचीलता ले आई जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, और जीवित साइबर जो स्पेस है ना उसको क्या सुनिश्चित किया जाएगा, एक बढ़िया लचीला फ्लेक्सिबल और विश्वास योग्य क्या है साइबर स्पेस, सुनिश्चित साइबर स्पेस को तैयार किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा देश G20 अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना है आपको बताना है। तो फ्रेंड ये बना है सऊदी अरब, सऊदी अरब क्या है G20 देश अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन चुका है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो G20 है ना उसमें क्या है 19 देश शामिल है प्लस उसके अंदर क्या है यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंक के गवर्नर एक अंतर्मंच इसका शामिल रहता है फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा देश क्या है हज पर पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहे तीर्थयात्रियों के लिए पूरी प्रक्रिया करने वाला पहला देश बन गया है आपको बताना है पहला देश। तो फ्रेंड भारत बना है, भारत क्या है हज पर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है और जो तीर्थयात्री पूरी प्रक्रिया उस पर क्या है डिजिटलाइज हो चुकी है फ्रेंड। तो भारत ऐसा पहला देश बन चुका है। तो फ्रेंड 2020 में हज पर जा रहे 2 लाख मुसलमान भारतीय। तो फ्रेंड इनके लिए क्या होगा, एक तो ऑनलाइन आवेदन होगा फ्रेंड, ई वीज़ा इनको मिलेगा इनको, हज मोबाइल ऐप हो जाएगा फ्रेंड, ऐप इसको हम कह सकते हैं मोबाइल ऐप होएगा, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा होगी, ई लगेज होगा इसमें, प्री टैगिंग भी फ्रेंड की जाएगी की सुविधा जाएगी। तो इस प्रकार क्या है फ्रेंड ये सभी सुविधा देकर ना भारत ऐसा पहला देश बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। 13वां दक्षिणी एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जा रहा है आपको बताना है। तो फ्रेंड ये किया जा रहा है काठमांडू के अंदर 13वां दक्षिणी एशियाई खेल आयोजित हो रहा है। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा 2700 से अधिक क्या है एथलीट भाग लेंगे, 2700 से अधिक एथलीट लेंगे। तो इसके अंदर क्या है 1119 पद हैं, पदक इसके अंदर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि एक तो खेलों की जो श्रेणी ना उसको बांट दिया गया है, 26 खेलों की श्रेणी है, 26 प्रकार के खेलों की श्रेणी रखी गई है। तो फ्रेंड जो 1119 पदक है ना उसमें से क्या है 319 गोल्ड पदक होंगे। तो फ्रेंड भारत के इसमें कितने प्लेयर होंगे आप बता सकते हो,
तो फ्रेंड भारत के इसके अंदर 487 एथलीट क्या इसके अंदर भाग लेंगे। और फ्रेंड ये होगा कब फिर, तो ये होगा 10 दिसंबर को। कब होगा? 10 दिसंबर को ये आयोजित होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने मैंने आपको बताया था वहाँ नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, तो ये इसका उद्घाटन करेगी फ्रेंड। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं आपको बताना था फ्रेंड, तो 3 दिसंबर को क्या है कि हम विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप वीडियो को पॉज करो और जितने डे आपने अभी तक पढ़े हैं दिसंबर मंथ के, ओनली दिसंबर मंथ के, उनको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। इससे आपको क्या है चीज़ें याद होगी फ्रेंड, तो कमेंट आप ज़रूर करो। ये रहा फ्रेंड आपका यस्टरडे क्लास का क्वेश्चन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR परियोजना में कौन सा देश परियोजना के लिए भारत की तकनीकी और वित्तीय सहायता करेगा आपको बताना है। तो फ्रेंड भारत की जो है ना तकनीकी और वित्तीय सहायता जो है फ्रेंड जापान करेगा। कौन करेगा? जापान जो है ना MAHSR के अंदर एक तो वित्तीय सहायता प्रदान करवाएगा और इसमें क्या है तकनीकी सहायता भी क्या है प्रदान करवाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड, जो इसके अंदर क्या होगा कि एक NHSRCL क्या है, नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है, इसका भी गठन किया गया है फ्रेंड्स। गठन इसका क्या है किया गया है फ्रेंड। तो ये रहा फ्रेंड आपका आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आप हमें कमेंट कर कर दें, साथ में कमेंट कर कर बताएं वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।